फोटो फ्रेम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कार्डबोर्ड लिया है और ये 4x6 के मेजरमेंट से मैंने इस पर मार्क कर लिया है। अब इसके बाहर के साइड हम 2-2 इंच का मार्क करते हुए इसका फ्रेम रेडी करेंगे। ये तो जो मैंने 4x6 का मार्क किया है वो फोटो के लिए है और अब हम 2 इंच का मार्क करेंगे फ्रेम के लिए। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो इस तरीके से कट करने के बाद अब मेरे पास ये हैंडमेड पेपर है जिसको मैं इस पर स्टिक करूँगी। अब इस तरीके से फ्रेम को रख कर हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। ये काम हमें चारों साइड से करना है कि इसे हम अच्छे से कवर कर सकें। अब फेविकोल की हेल्प से हम इसे स्टिक कर लेंगे। इसे हमें टाइटली स्टिक करना है ताकि हमारा फ्रेम लूज ना रहे और किसी हैवी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रख दीजिए ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। अगर इसे हैवी ऑब्जेक्ट से इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे तो ये आसानी से और जल्दी स्टिक हो जाएगा। तो अब हमें इसके बीच वाले पार्ट को कट करके अलग कर देना है। यहाँ मैं इस तरीके से क्रॉस लगा रही हूँ और इसको इस तरीके से स्टिक कर लेंगे और वापस से किसी हैवी ऑब्जेक्ट से इस तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। इसी तरीके से हम चारों साइड को फोल्ड कर लेंगे। ये दूसरा कार्डबोर्ड पीस लिया है और उस पर भी मैं इसी तरीके से हैंडमेड पेपर को स्टिक कर लूँगी। इस तरीके से चारों साइड हम कट कर लेंगे और फिर इसे स्टिक कर लेंगे। और बैक साइड वाले कार्डबोर्ड पर भी हैंडमेड पेपर इस तरीके से रैप कर लिया है और ये हमने कार्डबोर्ड के 3 पीसेस लिए हैं जिसको हम फेविकोल की हेल्प से इस तरीके से स्टिक कर लेंगे। यहाँ पर हमें कार्डबोर्ड के 3 ही पीस इस तरीके से स्टिक करने हैं। चौथे साइड हम कार्डबोर्ड को स्टिक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हम फोटो को इंसर्ट करेंगे और अब हम इसे इस तरीके से रख कर पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमें कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख देना है ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। ये अब अच्छे से स्टिक हो गया है तो अब हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर मेरे पास होममेड क्ले है जिससे मैं इस पर कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरीके से हम कॉइल बना लेंगे और छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे और इसे इस तरीके से राउंड करके और फिर फ्लैट कर लेंगे। जब आप क्ले से काम करें तो पाउडर यूज़ ज़रूर करें क्योंकि क्ले थोड़ा सा स्टिकी होता है। हम फ्लावर के पेटल्स बनाएंगे। इसे इस तरीके से हमें फिंगर की हेल्प से प्रेस करना है। आप फ्लावर किसी भी शेप का बना सकते हो और इस पर हम स्टिक कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे पेटल्स रेडी करेंगे। आपको एक बार और दिखा दूं इस तरीके से करना है हमें। इस तरीके से फिंगर की हेल्प से हम प्रेस करेंगे और शेप देते जाएंगे। इस तरीके से सारे पेटल्स हमें इक्वल साइज के ही बनाने हैं। अगर आप होममेड क्ले की रेसिपी जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं उसका वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि आप अगर इस तरीके से घर पर क्ले प्रिपेयर करते हो तो एक तो वो ज़्यादा अमाउंट में आप प्रिपेयर कर सकते हो और वो मार्केट से आपको कम प्राइस पे पड़ेगा। हम फ्लावर को इस तरीके से स्टिक करेंगे। तरीके से हम यहाँ पर डिज़ाइन बना रहे हैं। आप चाहो तो आप डिज़ाइन ये भी रख सकते हो या आपको कुछ और डिज़ाइन बनानी है तो आप वो भी बना सकते हो। ये DIY बहुत ही इजी है। इस तरीके से हम सारे फ्लावर को स्टिक कर लेंगे। अब हम इसके पेटल्स पर कुछ डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पर मैं क्ले टूल का यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह टूथपिक भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने एक साथ ही सारे पेटल्स रेडी कर लिए हैं तो इससे हमें आसानी होगी, फटाफट हम इसे स्टिक कर लेंगे। तो इस तरीके से DIY करके आप अपने घर की एक वॉल को मेमोरेबल वॉल में कन्वर्ट कर सकते हो और आप देख सकते हो इसे बनाना कितना इजी है और कितना क्विक रेडी होता है ये। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्विक DIY कैसा लगा। डिज़ाइन आपको ऑलमोस्ट दोनों साइड इक्वल ही रखना है,
मुझे इस साइड स्पेस ज़्यादा दिख रहा था तो मैं और भी फ्लावर ऐड कर रही हूँ। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को क्ले बनाना आता होगा। होममेड क्ले को ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है कंपेयर टू मोल्डेड क्ले। और यहाँ पर इस तरीके से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके ड्राई होने के बाद मैं इस पर कलर करूँगी। ये अब ड्राई हो गया है तो मैं इस पर कलर कर रही हूँ। यहाँ पर कलर करने के लिए मैंने डार्क ब्लू कलर लिया है जिससे मैं इसके पेटल्स पर कलर कर लूँगी। थोड़ा केयरफुली करना है ताकि ये जो हैंडमेड शीट है उस पर कलर ना लगे। तो आप इसके लिए 0 नंबर का ब्रश ही यूज़ करें। ब्लू कलर करने के बाद अब फ्लावर के सेंटर पर मैं वाइट कलर करूँगी। फ्लावर के इस पोर्शन पर येलो कलर करेंगे। ये हमने इस पर कलर कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 3 कलर का ही यूज़ किया है। अब ये जो इसके पेटल्स हैं फ्लावर के उस पर मैं गोल्डन डस्ट से इस तरीके से फिंगर की हेल्प से इस तरीके से इस पर डैप डैप करूँगी। चाहो तो इसके लिए फोम भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए ब्रश यूज़ मत करना क्योंकि ब्रश से इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरीके से डैप डैप करते हुए यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर कर लिया है। मैंने फ्लावर और ये इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इस पर गोल्डन कलर किया है बट वाइट पोर्शन पर मैंने गोल्डन कलर नहीं किया है। इसका फाइनल व्यू इस तरीके से आ रहा है। तो वॉल पर हैंग करने के बाद हमारे इस फ्रेम का फाइनल लुक ऐसा आया है। फिलहाल के लिए मैंने इस पर टेम्परेरी फोटो अटैच किया है, बाद में मैं इसे रिप्लेस करूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना। और आपको क्या करना है आपको तो पता ही है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।